नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। अभी मैं रिव्यू करने वाला हूँ सलमान खान की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है टाइगर जिंदा है। दोस्तों ये मेरा पहला रिव्यू है किसी भी मूवी का, क्योंकि मैं कल ये मूवी देख के आया हूँ और मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ इस मूवी के एक्शन सीन्स, डायलॉग डिलीवरीज, स्पेशली सलमान खान की जो एंट्री है उस पे पूरे हॉल में तालियां ही तालियां सुनाई दे रही थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ स्टार कास्ट को लेके। तो सबको पता है कि इस मूवी के अंदर सलमान खान और कटरीना कैफ लीड रोल में है, लेकिन इसके अलावा एक ईरानी एक्टर है, जी हाँ सज्जद डेलफ्रोज भी इस मूवी में लीड रोल में है, जिनका काम है नेगेटिव रोल। वो ISIS के हेड अबू उस्मान के रोल में आपको दिखेंगे और यकीन मानिए उनकी एक्टिंग देख के आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक इंडियन एक्टर नहीं है। जी हाँ, बहुत ही कमाल की एक्टिंग है सज्जद डेलफ्रोज की, आपको देख के मजा आ जाएगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं इस मूवी के बजट की। तो ये मूवी एक बहुत ही हैवी बजट के साथ 150 करोड़, जहां तक कि मैंने सर्च किया है, मैंने रिसर्च की है, तो 150 करोड़ मूवी का बजट है। इसके अंदर सलमान खान की फीस जो है वो इंक्लूडिंग नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि मूवी का कितना ह्यूज बजट होगा। ये बजट जो है आपको पता लग जाएगा जब आप मूवी देखेंगे। इसके एक्शन सीन्स जो है और इसमें जो लोकेशंस हैं, जितने इसमें लोग यूज किए गए इस मूवी को बनाने के लिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना हैवी अमाउंट इस मूवी के एक्शन सीन्स पे स्पेंड किया है मूवी के प्रोड्यूसर्स ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मूवी के प्लॉट की, तो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ISIS ने कुछ इंडियन नर्स को हॉस्टेज बना लिया था, तो ये मूवी जो है उसी स्टोरी के ऊपर प्लॉट की गई है। इसके अंदर स्टार्टिंग से मैं अगर बात करूं तो मूवी के 10 से 15 मिनट तक ना ही सलमान खान दिखते हैं ना ही कटरीना कैफ दिखती हैं। 10 से 15 मिनट मूवी का पूरी जो स्टोरी है उसको प्लॉट करने में निकाल देते हैं और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पे सलमान खान या कटरीना कैफ की कमी बिल्कुल नहीं खलेगी, क्योंकि जितने एक्टर्स वहां पे दिखाए गए हैं स्टार्टिंग 10 से 15 मिनट के अंदर, उन्होंने लाजवाब एक्टिंग की है। और उसके बाद जब सलमान खान की एंट्री होती है तो भाई पूरा हॉल तालियां सीटियां, और आप भी देखने जाएंगे तो आप भी यही करेंगे। इसके अलावा उसके बाद जब मूवी थोड़ी आगे बढ़ती है तो ऑब्वियसली टाइगर जिंदा है, तो इसीलिए इंडियन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट टाइगर से करती है कॉन्टेक्ट, टाइगर को एक मिशन पे भेजा जाता है। इसके बाद जब टाइगर वहां पे मिशन पे जाता है तो उसको पता लगता है कि भाई वहां पे कटरीना कैफ भी उसके पीछे पीछे आ गई है, क्योंकि वहां पे ना केवल इंडियन हॉस्टेजेस हैं बल्कि पाकिस्तानी हॉस्टेजेस भी है वहां पे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कटरीना कैफ से कांटेक्ट करती है और दोनों के दोनों एक मिशन पे चले जाते हैं। इस मूवी में आपको कुछ फनी डायलॉग्स भी मिलेंगे जब ISI एजेंट्स और रॉ एजेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि उनको एक ही टीम पे काम करना होता है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी में जो मिशन दिखाया गया है उसमें रॉ एजेंट्स और ISI एजेंट्स एक साथ काम करते हैं और जो नर्सेस हैं उनको एक साथ बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं अबू उस्मान की एक्टिंग की बात करूं तो इतनी तगड़ी एक्टिंग वहां पे की है एक ईरानी एक्टर ने। उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अबू उस्मान के रोल को बखूबी निभाया है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो सलमान खान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे किए हैं, कटरीना कैफ ने भी एक्शन सीन्स बहुत अच्छे किए हैं। थोड़ा सा मुझे जो नेगेटिव चीज लगी वो ये थी कि मूवी की लेंथ बहुत ज्यादा है। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मैं भी मूवी देख रहा था कि मैं घड़ी देख रहा था कि मूवी कब खत्म होगी। ऐसा नहीं था कि मैं बोर हो रहा था, बट ये था कि आजकल जो मूवीज बन रही है वो 2 घंटे 2.25 घंटे ज्यादा इतनी है। इस मूवी की लेंथ बहुत ज्यादा है, लगभग 2.5 से 2.75 घंटे तक इसकी लेंथ है, तो वहां पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मूवी थोड़ी जो स्टोरी है वो थोड़ी स्ट्रेच की गई है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे ना ही आपको बोरियत फील होगी, ना ही आपको ये लगेगा कि मेरा पैसा जो है वो डूब रहा है। ये फुल पैसा वसूल मूवी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए थिएटर्स में और इस मूवी को देखिए, क्योंकि साल का अंत हमेशा अच्छी चीजों से होता है और टाइगर जिंदा है उन अच्छी चीजों में से एक है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूं इस मूवी के ऊपर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। तो ऐसा तो आजकल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बड़ी बजट की मूवी बने और वो बिना कॉन्ट्रोवर्सी के निकल जाए। आपको याद होगा कि पद्मावती कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है।
कुछ कंट्रोवर्सीज में सलमान खान भी फंसे हैं, क्योंकि वो जब मूवी का प्रमोशन करने एक डांस शो में गए तो वहां पे उन्होंने हंसी हंसी में मजाक में ये बोल दिया कि उनकी जो डांसिंग स्किल्स हैं वो किसी सैनिटरी वर्कर्स की तरह है। सैनिटरी वर्कर मतलब हिंदी में उन्हें भंगी बोलते हैं, तो उनकी तरह है। और उनका साथ देते हुए जो साथ में सेलिब्रिटी बैठी थी शिल्पा शेट्टी, उन्होंने बोल दिया कि हाँ मेरी डांसिंग स्किल्स भी किसी सैनिटरी वर्कर्स की तरह ही है। तो इस बात को लेके जो वाल्मीकि कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन उठाया है, उन्होंने मूवी का विरोध किया है। आपको मैं बता दूं कि कल जब मैं मूवी देखने गया यहाँ पे अलवर में, तो यहाँ पे भी जो मॉर्निंग शो था इस मूवी का, उसमें उन्होंने आके विरोध किया, प्रोटेस्ट किया और उस शो को कैंसिल करा दिया। और उसकी वजह से जो बाकी शोज थे वो डिले हो गए। मेरा जो शो था वो इवनिंग में 6:30 था और वो 7:15-7:20 के आसपास शुरू हुआ। तो दोस्तों इस तरह की कंट्रोवर्सी में भी सलमान खान फंस चुके हैं इस मूवी को लेके। तो दोस्तों इस रिव्यू में इतना ही। अब आपको पता लग गया है कि अगर आप अपना वीकेंड या फिर अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताना चाहते हैं तो उसके अंदर टाइगर जिंदा है को जरूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि हॉल में जाके आपको अलग ही वहां पे माहौल दिखेगा। आप भी अगर सलमान खान फैन है तो मूवी जाके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरा पहला मूवी रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि पहला मूवी रिव्यू है तो मैंने इतने अच्छे से नहीं किया होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट रिव्यूज में मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।